तो दोस्तों, सफ़र पे जाते समय काफ़ी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप फटाफट जल्दी जल्दी अपने सफ़र की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। कई बार हमारी ज़रूरी चीज़ें भी रह जाती हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी, अगर आपको 2 से 3 दिन पहले जाना है तो आप 2 से 3 दिन पहले ही अपनी पैकिंग शुरू कर दें, ताकि आपकी कोई चीज़ बीच में छूट ना जाए। सफ़र पर जाने से पहले जो जो कपड़े आपको रखने हैं उन्हें हमें आयरन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, मैं भी इसी तरह से आयरन कर रही हूँ। हमें कपड़ों को बहुत अच्छे से आयरन करना है, ताकि सफ़र के दौरान बिना किसी मुश्किल के हम फटाफट इसको यूज कर पाएँ। तो ये देखिए, हम इस तरह से जो कपड़े हैं हमारे सारे, उनको आयरन कर देंगे। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों, कि हमें वो कपड़े जो हमें रेगुलर पहनने हैं वो हमें हमेशा ऊपर रखने चाहिए, ताकि हमें दिक्कत ना आए, और जो हमें कभी कभी पहनने होते हैं वो हमें नीचे रखने होते हैं। तो हमें पहले सबसे पहले तो आयरन करना है सभी कपड़ों को। आयरन करते समय भी ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, कि बटन वाली जो शर्ट है उसमें बटन बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि कई बार सफ़र के बीच में जल्दबाजी होती है। तो ये देखिए, इसी तरह से बिना बटन लगाए हमें सारे कपड़े आयरन कर देने हैं। जींस की क्रीज भी आपस में मिला के अच्छे से प्रेस करके हमें इसको रखना है। देखो दोस्तों, मैं भी बेल्ट के साथ जो है पैंट को रख रही हूँ, ताकि फटाफट हमें उसके साथ बेल्ट आराम से मिल जाए। एक बात और ध्यान रखने वाली है दोस्तों इसमें, कि आपको जो भी कपड़े पैकिंग के लिए रखने हैं उनको एक साथ निकाल कर रख लें, ताकि आप आसानी से सारे कपड़े एक साथ उसमें रख सकें। मैं जो बैग ले जाने वाली हूँ उसमें ये अखबार रख रही हूँ दोस्तों। इससे हमारे कपड़े बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल सेट रहेंगे। तो ये देखिए, हम भी इस तरह से अखबार रख रहे हैं। आप चाहें तो इसमें कोई भी पेपर बिछा सकते हो। तो देखो दोस्तों, जो कपड़े मुझे बाद में यूज़ करने हैं उन्हें मैं नीचे रख रही हूँ, और अगर आपके पास जगह कम है तो हौजरी वाले कपड़ों को इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हो। इस तरह से हमें इसको रखना है। एक बात और ध्यान रखने वाली है, कि जब भी हम कपड़े रख रहे हैं तो वही कपड़े रखें जो हमें वहाँ पर पहनने हैं। आपको दिन काउंट कर लेने चाहिए कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको अपने कपड़े पैक करने चाहिए। ये देखिए दोस्तों, मैं भी इस तरह से ही रख रही हूँ। और ये देखिए, जो हाफ निक्कर और हौजरी वाली टी शर्ट है उन्हें एक साथ ही मैंने रख दिया है। इससे जो है हमें आसानी से कपड़े मिल जाएंगे। कई बार पैंट और शर्ट आपस में हम नहीं रखते हैं, तो जल्दबाजी में गलत शर्ट गलत पैंट पहन ली जाती है। सूट भी इसी तरह से रख रही हूँ दोस्तों मैं। तो आपको एक और तरीका बताती हूँ, जिससे आपके कपड़े एक साथ रहें। तो ये देखो, सूट के साथ मैं चुन्नी और लेगिंग जो है इस तरह से पैक करके रख रही हूँ, ताकि जब भी मुझे पहनना हो फटाफट से इसको निकालूंगी और पहन लूंगी। कई बार हमारी चुन्नी और लेगिंग नहीं मिल पाती है, बहुत जल्दबाजी भी रहती है घूमने जाने के समय। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इस तरह से पैकिंग अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप फटाफट से रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से रख रही हूँ मैं, और सारे कपड़े हमने आयरन करके ही रखने हैं। तो साथ के साथ ही अंडरगारमेंट भी हमें रखने होते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ फोल्ड करके रखनी है, इससे आपको आसानी से अंडरगारमेंट्स मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, जल्दबाजी में अपनी किट बिल्कुल मत भूल जाना। मैंने इसकी शूटिंग नहीं की है, पर मैंने इसमें डाला ज़रूर है अपना किट। तो मैं बता दूँ इसमें क्या क्या रखना होता है हमें। सबसे पहले तो हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें रखनी है, ब्रश, साबुन, शैम्पू, कॉम, पेपर सोप, क्रीम, मेकअप आइटम, और अगर आप डीओ यूज़ करते हैं तो वो ज़रूर रख लेना। अगर आप ऑयल यूज़ करते हो बालों में, तो ऑयल को अच्छे से रखना प्लास्टिक की थैली के अंदर, और वरना आप वहीं से ख़रीद लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑयल हमारे कपड़ों पे गिर जाता है और हमारे कपड़े सारे ख़राब हो जाते हैं। बातों बातों में ही मैंने टॉवल उसमें रख दिया था। देखिए आप, टॉवल हमें लास्ट में रखना है सभी कपड़ों के ऊपर। दूसरा बैग भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं
जो गिफ्ट मुझे वहाँ पर देने हैं वो वाले आइटम रख रही हूँ। कुछ सजेस्ट करूँगी दोस्तों कि अगर आप किसी को गिफ्ट देने जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, तो गिफ्ट लेके ज़रूर जाएं। इससे उन्हें भी बहुत खुशी होती है। और हाँ दोस्तों, हमें जो गिफ्ट वाला बैग है वो अलग से ही पैक करना है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो मैं भी इसी तरह से एक अलग बैग लिया है मैंने, और उसमें सारे गिफ्ट डाल रही हूँ। तो कैसी लगी मेरी पैकिंग दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इस वेकेशन कहाँ जा रहे हैं मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।